गए 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 गए। ये रोड कहाँ चल गया? कहाँ रास्ता का खोज कर रहे हैं हम लोग। किसी के घर से निकलने वाले हैं हम लोग, पता है आप लोगों को? देख लो, डाल्टनगंज हम लोग पहुंचने वाले हैं। शॉर्टकट ले रहे, शॉर्टकट की वजह से हम लोग इधर से जा रहे हैं। 50 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। हम लोग लगभग 250 किलोमीटर ट्रैवल करके, 250 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग को पूरा जाना है अभी डाल्टनगंज। अभी हम लोग खलारी पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ से खलारी 23 किलोमीटर है। रात के टाइम बिल्कुल इधर मतलब ये वाला रोड में तो बिल्कुल भी नहीं, पूरा जंगल है, लूट लिए जाओगे। 10 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को एक गांव मिला। अरे भाई रुक जा, इतना स्पीड में आ रहा है, इतना छोटा सा रास्ता भी, सिंगल रोड, दोनों तरफ घर। फर्स्ट टाइम ये रास्ता में तुम्हारा? फर्स्ट टाइम मेरा रास्ता ये वाला। फिर से ये गांव से निकल के फिर से जंगल में घुसने वाले हैं हम लोग, और डर बहुत लग रहा है। अकेले तो हम नहीं आते इधर कभी। अब बोलो, खलारी 23 किलोमीटर इधर, रांची, मांडर, बुरमू, खलारी राइट, तो हम लोग जा रहे हैं राइट। थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम कर रहा है ना तुम्हारा, ये वाला में भी कम है ब्रेक, पीछे वाला में। आगे तो डिस्क ब्रेक है या नहीं, है ही नहीं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और रोड भी वैसे ही है, शॉर्टकट के चक्कर में रोड दे गए 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 गए। ओ भाई आराम से बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, पार हो गया। अबे मेरा जूता क्या हो गया? मेरा जूता। हम लोग पतरातू से घुसे, उसके बाद फिर पतरातू से निकलने के बाद फिर लगभग 120 किलोमीटर हम लोग को अभी भी ट्रैवल करना है। लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। लारी हम लोग खलारी पहले पहुँचते हैं, खलारी से हम लोग को निकलना है, खलारी से हम लोग को निकलना है मस्तूलीगंज, मस्तूलीगंज से फिर लातेहार, लातेहार से फिर, लातेहार से फिर डाल्टनगंज। ये रोड है कहाँ? नहीं है रोड, कहाँ चल गया? कहाँ घुसाएगा? इसमें घुसाना है? अबे ये कौन सा रोड है? चलो ना भाई, ये रास्ता था इधर से, इधर ऊपर ऊपर उतरना पड़ेगा। अब ब्रेक भी नहीं है, पीछे से धकल ले अगर हम वापस आ जाएंगे पीछे तो। हाँ अबे ये शॉर्टकट तुमको कौन दिखाया बे? ये तो हमको लगता है किसी का घर जा रहा है, घर से निकलेगा। अबे ये तो गजब हो गया। हाँ ठीक है, इसको आप पहचान ही रहे होंगे, पिछले ब्लॉग में देखे थे, सीताफल वाला, तो यही है इस रास्ते का। रास्ता का खोज कर रहे हैं हम लोग। देखो हे भगवान, ये वो कम था काबे, एक भी गाड़ी नहीं चल रहा था ऊपर से। ये ओ भाई रोड, किसी के घर से निकलने वाले हैं हम लोग, पता है आप लोगों को? देख लो, डाल्टनगंज हम लोग पहुंचने वाले हैं। सेट सेट सेट। ओ भाई अबे आजा, बैठ जा, बैठ जा, हाँ बैठ बैठ प्रभात, आओ बैठो।
ओ भाई इतना ज्यादा शॉर्टकट पे, ऐसे लग रहा था कि मेहमानी करने के लिए जा रहे उसका घर। बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। बैठो 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 बैठो, ये ब्रेक क्यों नहीं पकड़ रहा है? ब्रेक तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ तो इसीलिए तो फाइनल बनेगा कभी, रोड बनेगा कभी। ओ भाई देखो ये आधा रोड बना हुआ है और हम लोग को घर उर में घुस घुस के निकलना पड़ रहा है। ओ भाई हार्ड हो गया। चलो कल राइड को कंटिन्यू करते हैं। सब महुआ का पेड़ है, टोटल टोटल सब महुआ का पेड़ इधर में। अरे महुआ गिरता है, फायदा क्या करना है उसे, उसे देसी वाला वाइन बनता है, देसी वाइन। बेवड़ा होगा तब यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाना पड़ेगा हमको लग रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग खलारी पहुँचने वाले हैं। खलारी पहुँच गए हम लोग यहाँ से और 100 किलोमीटर। फाइनली छोटी गंगा में हम लोग डालते हुए अपनी गाड़ी को। पीपर बार सेम ऑन है, ऑन है। हाँ अबे ऐसे ही मजा कर रहे थे हम लोग मास मोहना में। बड़ा सा गड्ढा ना हो भाई, नहीं तो गाड़ी घुस जाएगा ऊपर। ये छोटे छोटे रास्ते में हमारी पारो चलते हैं। लातेहार पहुंच चुके हैं और पिछवाड़ा भी जवाब दे रहे हैं। 2-2 किलोमीटर लगभग हम लोग चल चुके हैं बोकारो से यहाँ तक। थोड़ा सा कहीं पे रुकना पड़ेगा, देखते हैं कहीं रुकेंगे। ब्रेक भी इसका थोड़ा सा ढीला हो गया है तो उसको भी बनवाना है, वहीं पे रुकते हैं थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। पिछवाड़े का चटनी हो गया, मन तो कर रहा है इधर में सूत जाए उल्टा होके। ब्रेक हम लोग का आगे पीछे दोनों का लूज है, टाइट करवाने का जगह मिल रहा है लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा है। इसीलिए पार हो जा रहे हैं। लातेहार हम लोग क्रॉस हो चुके हैं और 40 किलोमीटर हम लोग को ट्रैवल करना है। अरे इन लोग को भी कोई बिठा लो गाड़ी में, इन लोग को छोड़ दिया। काम मसाला ही नहीं कर रहा है। भाई दुनिया में सब कुछ है, रेस्टोरेंट में 25 रुपये वाला समोसा और हम लोग गरीबों के लिए 1 रुपये वाला समोसा भी। कैसा है टेस्ट, कैसा है? ये लो आप लोग भी खाओ। ट्रैवल करके हालत खराब है और अभी फिलहाल हमें जा रहे हैं एक दोस्त के रूम, वहीं पे रुकना है रात को। उनका भी सुबह को यहाँ से निकला जाएगा, यहाँ से निकलेंगे सुबह को मॉर्निंग में, एकदम ईयरली इन द मॉर्निंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम देता है। हमको लगा था कि 3 या 4 घंटा लगेगा लेकिन 6 घंटा लग गया था हम लोग को यहाँ पहुँचने में। तो रोड भी ख़राब है और रोड के साथ हम लोग का हालत भी ख़राब हो गया है पूरा, बिल्कुल भी ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, आवाज़ नहीं निकल रहा है सही से। मेरा हेलमेट में वो ऐसा नहीं है तो बहुत सारा धूल खाए रास्ता भर, तो रास्ता भर में पूरा धूल खाते आए, मज़ा बहुत आया। लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि झूठ बोल रहा है लड़का। मेरे चेहरे से ही लग रहा है कि अब
बिल्कुल मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी बोल रहे। चल ठीक है, फिर रूम में मिलते हैं। फ्रेश हो गए दोस्त के, दोस्त का भाई लोग हैं, छोटा भाई लोग हैं, ये लोग के रुके रुके आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसे लग रहा था कि क्या बोले, इसे कहीं जाके जान देते। वापस जाने का अगर होता ना, अगर वापस जाना पड़ता तो हालत ख़राब था पूरी। और पहुँचते हम लोग रात को 12-1 बजे पहुँचते, यहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। बस और गया, ये रूम है और ये बाकी लोग भाई। भूख तो लगा हुआ है तो हम लोग आए हुए हैं ये वाला होटल, यहाँ पर से हम लोग खाना वीना लेना है, उसके बाद फिर रूम में जाके खाना पार्सल। थके हुए बहुत है, भूख भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, खाना खाना है, सोना है, नींद भी आ रहा है बहुत ज़ोर से भाई। अकेले 150 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल, मतलब हम बाइक चलाए हैं क्योंकि पीछे में हमको बहुत डर लगता है बैठने में, इसीलिए हम प्रभात को चलाने भी नहीं दे रहे थे बाइक। देखेगा ना यार, दी में बाल बच्चा साहब। हाँ ये क्या है, ये पनीर है, पनीर डालता है। चलिए हम लोग नए नए यहाँ पे आए, एक बार टेस्ट कर। हाँ हाँ एकदम एकदम डालते हैं, मिलेगा। हाँ रहना हो तो खा के साथ देखिएगा तुम, दोबारा आइएगा। सही है, सही है, सही है, सही है। मॉर्निंग हो गई गाइस, रात को आराम से सो गए थे, उसके बाद अभी थोड़ा देर के बाद फिर सुबह सो के फिर हम लोग निकलेंगे। अभी नींद तो पूरा नहीं हुआ, नींद तो घर ही में पूरा होता है, रात में बस थोड़ा सा रेस्ट मिल गया वही बहुत है। आगे में कोई स्टेशन है शायद, और मौसम सही है आज का, धूप है थोड़ा, घर निकलने का जैसा है मतलब निकल सकते हैं घर, प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बारिश हो सकता है। अभी सावन का टाइम चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है बारिश का। इनपुट कैरी कर लिए हम लोग, उस जगह पर बाइक है हम लोग का, फ्रेश होते हैं उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी तक नहीं उठा, उसका नींद पूरा नहीं हुआ, सोया हुआ है मेरा हाथ। वॉकिंग शैडो हम डाल देंगे, हम बता देंगे। ठीक है भाई निकलते हैं। हम लोग का जर्नी फिर से स्टार्ट। अब हम लोग पतरातू की तरफ से गए थे, अब हम लोग रांची की तरफ से जाएंगे, क्योंकि पतरातू की तरफ से ज़्यादा शॉर्ट तो था थोड़ा बहुत, लेकिन वन वे है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर रांची की तरफ से जाएंगे। रोड भाई, रोड इस टाइप का कहीं कहीं पे ही है क्लियर रोड, और नहीं तो फिर जब जगह पे खड्डा खराब रोड है। यहाँ पे एक हाईवे बनना चाहिए, जो हम लोग को लगभग 4 घंटा लगता है घर पहुँचने में, और 6-6 घंटा लग रहा है इसकी वजह से, रोड खराब है, प्लस सिंगल रोड। यहाँ बंदर उंदर सब ऐसे ही खुले में घूमते रहता है, तो देख के देखो एक किधर गया, तो देख के जाना पड़ता है, और नहीं तो फिर ये लोग को लग जाएगा। लातेहार क्रॉस हो गए, चान्हो होके निकलना है, कुरु होके, कुरु चानू होके, कमरे होके लालपुर सीधे निकलेंगे। मित्र हाट के लिए इधर राइट 82 किलोमीटर, और रांची लेफ्ट स्ट्रेट जाना है हम लोग को, 109 किलोमीटर है। अब यहाँ से निकल के ही अब पता चलेगा रोड का, रोड तो ख़राब नहीं लग रहा है,
रोड ठीक ही है वैसे, उधर का रोड बहुत खराब था। अभी जाते हम लोग उधर से पदरा तो ओके, तो फिर यहाँ तो फिर उधर से तो रोड खराब था बहुत ज़्यादा। और रोड तो आपको पता ही कैसे था, आधा रोड है आधा बस्ती है, तो उसमें पार करो धकेल के गाड़ी, उसके बाद फिर रोड मिलेगा। यही वाला रास्ता तो हम खोज रहे थे तभी से, सिंगल सिंगल रास्ता में था, चल चल के हालत खराब हो गई। धूप आ रहा है, बारिश हो रहा है सर। यार सिंगल रोड हमको बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे तरफ आके गले मिलेगा मेरे से, इतना बड़ा चक्का हो के भी सला इतना छोटा छोटा गड्ढा से डर रहा है। साइड साइड के बता फिर से हाईवे मिल गया, इतना दूर के लिए क्यों खाली छोड़ा था भाई। रांची पहुंच गए हैं गाइस, अभी हम आरटीसी वाले साइड में हैं, दोस्त लोग से मिल लेंगे उसके बाद फिर घर निकला जाएगा। हम लोग आए डाल्टनगंज से, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ जर्नी का जितना भी एक्सपीरियंस है सारा एक्सपीरियंस थी ये बता रहे हैं। एक्चुअली गए थे डाल्टनगंज कुछ पर्सनल मैटर से, पर्सनल मैटर दो दिन का ट्रिप था, एकदम बहुत बढ़िया। वन नाइट हम लोग स्टे किए, एक जूनियर था मेरे उसके पास स्टे किए हम लोग, दोस्त के पास रुके, बहुत मस्ती के रात में, जो काम था वो काम कंप्लीट हो गया, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग आज रिटर्न किए, हम लोग को जाने में लगा था 6 घंटा, ठीक है 6 घंटा, और आने में लगा मात्र 3 घंटा। कैसे पता क्या करना है क्या नहीं करना है बताना। सबसे पहले कि हम लोग को शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। शॉर्टकट रास्ता में अपना गाड़ी का तेल उतना ही खाएगा, क्लच गियर से पूरा तेल खत्म हो जाएगा, गाड़ी भी चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा लॉन्ग रूट रहता है वो सही रहता है, रोड भी सही रहता है, क्योंकि उससे हम लोग का गाड़ी भी सही परफेक्ट रहेगा और तेल भी हम लोग का ज़्यादा नहीं खाएगा। इसलिए कई भाई शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में जाना कि ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। आप लोग देखे होंगे शॉर्टकट की वजह से वो रास्ता खत्म होता है, उसके बाद फिर हम लोग घर का गली से गुजर के घर के गली से गुजर के ऐसे लग रहा था ना कि जैसे कि लोटा उटा लेके आएगा और बोलेगा हाँ आप लोग आए हैं लीजिए। कई मेहमान ही बहुत रोड ही खत्म, फिर कहा फिर वो एक खेत का छोटा सा एक होता है नैरो टाइप का, वो नैरो में हम लोग धीरे धीरे गाड़ी को लेके गए, हम ऐसे ऐसे गए, ये मेरे को फॉलो करते करते गए, फिर वहाँ गाड़ी निकल भाई। इसलिए कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, जो एकदम रोड जो है हमारा लॉन्ग कट उसी में आप लोग फॉलो करना। बाकी बात हम लोग तो रांची पहुंच गए वापस, अब मैं अपने घर जाऊंगा बोकारो, आर का जर्नी खत्म होता है, अब क्या ही बोले आज का जर्नी खत्म होता है। और बहुत थक गए, हालत तो खराब हो गया, बहुत पूरा हालत लगा है, बहुत कस के भींग चुके हैं, पूरा जूता पैंट शर्ट सब कुछ भींग गया है। हाँ ट्रेन को था, फिर भी लगाएंगे आराम से सोएंगे, पहले दो दिन सोएंगे, दो दिन जो इतना हम लोग घूमे हैं आई थिंक अराउंड 600 किलोमीटर हम लोग ट्रेवल किए बाइक से, वो भी ठीक है। तो अब जाके दो दिन पहले सोएंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा पता नहीं क्या होगा, जो भी है पहले दो दिन मेरे को सोना है जो होगा नहीं होगा हमको मतलब वो खतर है। पहले दो दिन पहले सोएंगे, पूरा 48 घंटा मेरे को सोना है और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ भाई रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो रेस्ट हम लोग करते हैं, पहले दो दिन कर लेंगे उसके बाद बाकी का कुछ सोचेंगे। बाकी पिछले का ब्लॉग पीछे का सारा ब्लॉग आप लोग देखने के लिए मत भूलना, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आया हुआ है। और करंट ब्लॉग अपलोड हुआ है अभी पतरातू वैली का, जो 15 अगस्त वाला था, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग चले अब अपने अपने घर, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो तो अपलोड होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, see you in the next vlog.